श्याम बाबा के दर्शनों के लिए भक्तिमय हुई खाटू नगरी। रोज लाखों भक्त श्याम बाबा के जयकारों के साथ नवा रहे हैं शीश। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के 10 दिवसीय वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु खाटू नगरी पहुंच रहे हैं। श्री खाटू श्याम मंदिर में प्रशासन की सुगम विस्तार से श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। मेले में पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी मंदिर कमेटी व प्रशासन की व्यवस्था की प्रशंसा की। मंदिर कमेटी द्वारा जगह जगह पर चिकित्सा पानी की व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी श्याम भक्तों को कोई असुविधा न हो इसके लिए जगह जगह व्यापक कर्मचारियों का जाप्ता तैनात कर रखा है। मेडिकल कैंप का हुआ शुभारंभ। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले में हर वर्ष की भांति इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा बाबा श्याम के मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए निशुल्क चिकित्सा कैंप का विधिवत उद्घाटन उपखंड अधिकारी व मेला मजिस्ट्रेट प्रतिभा वर्मा, सहायक निदेशक राकेश कुमार लाटा व BCMO डॉक्टर अश्विनी कुमार स्वामी ने फीता काटकर किया। इस कैंप की जानकारी देते हुए मेला मजिस्ट्रेट प्रतिभा वर्मा ने कहा कि संपूर्ण मेला क्षेत्र में चिकित्सा विभाग द्वारा कैंप लगाए जा रहे हैं। वहीं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा चिकित्सा कैंप का शुभारंभ मंदिर दर्शन निकास मार्ग पर किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं के पैरों में होने वाले छाले सहित अनेक छोटी मोटी बीमारियों का उपचार भी किया जाएगा। सीकर से विजेंद्र सिंह दायमा की रिपोर्ट। ये श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम बाबा का वार्षिक फाल्गुन मेला 2023 बहुत अच्छा चल रहा है। श्याम भक्तों की सुविधाओं के लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने बहुत ही शानदार व्यवस्था की है, जिसमें श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन हो रहे हैं और उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। पूरे रास्ते में जहाँ से पैदल मार्ग है वहाँ पर पेयजल, शौचालय की व्यवस्था और पूरी अभी नाइट में जैसे उनको पूरी लाइटिंग की व्यवस्था है। और ये सेक्टर एक में जो जहाँ से 14 लाइन बनाई गई है, श्रद्धालु बराबर लाइन में अनुशासित होकर के चल रहे हैं। ये एक अद्भुत ऐसा मौका है, अद्भुत दृश्य है श्याम भक्तों का कि किस प्रकार से आस्था का सैलाब दिए हुए ये श्याम भक्त यहाँ आ रहे हैं और बाबा श्याम की कृपा लेकर सब जा रहे हैं। हमने चिकित्सा सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए पहले ही 9 पॉइंट पर मेडिकल कैंप लगाए थे, पर आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एक और मेडिकल कैंप जिन्होंने सभी श्रद्धालु जो हमारे पास आ रहे हैं उनके पैरों में छाले हैं, किसी प्रकार का दर्द है, डायरिया है, सिर दर्द है, किसी भी प्रकार का पेट है, सभी तरह के प्राथमिक उपचार यहाँ पर डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे पास सारी एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था उपलब्ध है, जिनके द्वारा जो भी रिफर किया जाएगा उनको सीएस किया जाएगा और उनको पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बचपन में मूड़न भी मेरा यहीं पर हुआ था, मेरे भाई का, और हम लोग ऊँट की सवारी से बैलगाड़ी से दर्शन करने लेकर आज यहाँ का भव्य स्वरूप देख रहे हैं। और मैं मंदिर कमेटी को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने आज जिसमें 24-24 घंटे लाइन लगती थी आज केवल 1-2 घंटे में लोग दर्शन करके जा रहे हैं। अभूतपूर्व है और मैं इतना ये कहूँगा कि इसमें जितनी भी सुविधा हो सके शासन सत्ता को वो इस मेले की को व्यवस्थित करने में सरकार का योगदान बढ़ चढ़ कर होना चाहिए। याद है कि मैं पहले आया था और उस समय वसुंधरा जी की मुख्यमंत्री हुआ तो देव स्थानों के लिए तमाम पैसा राजस्थान सरकार ने दिया था, उसी में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पार्किंग के लिए, सीवरेज के लिए, सड़क के लिए पैसा दिया गया, तो मुझे याद है। आज उत्तर प्रदेश को आप देखो तो सारे देवस्थान, आज बाबा विश्वनाथ में जाइए तो साक्षात गंगा माता बाबा विश्वनाथ के मंदिर का आशीर्वाद कर रही दिखाई पड़ती है। जहाँ मुश्किल से 2 लोग जा पाते थे एक साथ, वहाँ बसें जा सकती हैं। आज अब नैमिष शरण तीर्थ देखो, चारों तरफ एक सुरम्य वातावरण है। माँ विंध्यवासिनी धाम आप जाएंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, पूरा बदल गया है। अभी मैं मथुरा से आ रहा हूँ।